Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is reactions of alkenes. Reactions of alkenes. Alkenes के reaction में हमने combustion को discuss करना है, हमने oxidation को discuss करना है, और इसके साथ nitration और fourth one यहाँ पे हमारे पास halogenation है. ये चार तरह के reactions हैं जो हम यहाँ पे discuss करेंगे. First one, combustion क्या है? अगर हम इसको डिफाइन करें, दैट इज बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, या हम इसे इस तरह से भी कहते हैं कि बर्निंग ऑफ अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. इन द प्रेजेंस ऑफ एयर भी हम लिखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हम लिखते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन प्रोसेस. अब इस कंबशन में हमारे पास एक हीट रिलीज हो रही होती है. That heat is called heat of combustion. Amount of heat released due to burning of hydrocarbon या burning of alkanes, that is called heat of combustion. और ये जो combustion process है, ये हमारा exothermic process है. यहाँ पे energy evolve हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है, और उस हीट को हम हीट ऑफ कंबशन भी कह रहे होते हैं. जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल यहां पे कोट करें, CH4 अगर हम इसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड हीट, या फिर हम उसे क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं. इसको अगर हम बैलेंस करें, तो बैलेंस करते हुए हमारे पास ये 2 और ये हमारे पास 2. मतलब हम किसी भी अल्केन की जब कंबशन करेंगे, तो हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसके साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे रिलीज होती है. दैट हीट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन. चाहे इथेन हो, चाहे मीथेन हो, चाहे प्रोपेन हो, किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम उठाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस होंगे, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा. दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द अल्केन. सेकेंड रिएक्शन की तरफ जब हम आते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन उसके हम कहते हैं, ये दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या इलेक्ट्रॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह रहे होते हैं. अब जो हमारी ऑक्सीडेशन है, ये दो तरह की होती है. एक हम ये कहते हैं कि अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो, तो उस वक्त क्या प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस हैं. दूसरा यह है कि अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, तो उस वक्त हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस हैं. देखें, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की तरफ हम जाएंगे, तो वहां पे हम लिमिटेड सप्लाई करेंगे. लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन. जैसा कि अगर CH4 है, इसकी हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, तो वहां पे H2O तो बनेगा. हाइड्रोजन शुड बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2O, लेकिन कुछ कार्बन ऐसा होगा जो पार्शली ऑक्सीडाइज्ड होगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं जा रहा, हाफ ऑक्सीडाइज हो रहा है या पार्शल ऑक्सीडाइज हो रहा है. और कुछ कार्बन ऐसे हैं जो कि अभी तक ऑक्सीडाइज ही नहीं हुए, क्योंकि हमने लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड की थी, तो ऑक्सीजन हमारी जो है इस कार्बन को ऑक्सीडाइज ही नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो कार्बन ब्लैक की फॉर्म में जो है वो वहां पे अटेन होता है, तो इंक प्रोडक्शन के लिए भी हम उसको अप्लाई कर रहे होते हैं. मतलब ये अगर हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे, तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करेंगे. लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बन मुकम्मल ऑक्सीडाइज नहीं होगा, कुछ पोर्शन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कुछ पोर्शन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकेगा. अगर हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन की तरफ चलें, तो हम यहां पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यहां पे हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये जस्ट लाइक कंबशन प्रोसेस है. एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्रोड्यूस होते हैं. कार्बन इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन यहां पे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगी, हाइड्रोजन भी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगी. सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड द फर्स्ट वन वाज कंबशन रिएक्शन.
इस ऑक्सीडेशन में हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी आती है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को भी हम इसके साथ लेके चलते हैं कि ये किस तरह हमने प्रोसीड कराएंगे। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हम ये कहते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर हम कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये प्रोसेस प्रोसीड करते हैं, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये हमारी जो है ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ही कंसीडर किया जाता है इसको, कि हमारे कैटलिस्ट अप्लाई हो और हमारी ये कंडीशंस। अब यहां पे जो कैटलिस्ट अप्लाई किया जाता है दैट इज कॉपर। यहां पे जो हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं कंडीशंस में वो 400 सेल्सियस टेम्परेचर और 280 एम यहां पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, कि हमारा 400 सेल्सियस टेम्परेचर है और 280 एम प्रेशर। ये कंडीशंस हैं जो यहां पे रिक्वायर्ड होती हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, कि अगर हम अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं। अब अगर हम इसकी डिटेल में आए तो हमारे पास CH4, अगर हम इसमें एटॉमिक ऑक्सीजन ऐड करें, दैट इज कन्वर्टेड इनटू CH3OH। कैटलिस्ट आपने क्या अप्लाई किया, कॉपर, 400 सेल्सियस आपने टेम्परेचर और 280 एम आपने प्रेशर यहां पे अप्लाई किया। हुआ क्या है, एक तो रीअरेंजमेंट हो गई, CH4 is converted to CH3OH, ऑक्सीजन ऐड हो गया और ये प्रोडक्ट जो आपके पास बन गया दैट इज अल्कोहल प्रोडक्ट। इसका मतलब अल्केन्स की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे दैट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। ये पहला हमारा स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ये अल्कोहल है CH3OH, हम इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं, फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं, दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू HC double bond OH by loss of H2O। और हमारे कैटलिस्ट यहां पे भी वही कॉपर है, यहां पे भी 400 सेल्सियस टेम्परेचर है और 280 एम यहां पे प्रेशर है। अब हुआ ये कि एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में लॉस हो गए, बाकी हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बन गया, इससे अल्कोहल से। जब हम एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन पे आते हैं HC double bond H, इसमें अगर हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू HC double bond OH। कंडीशंस यहां पे भी हुई हैं कि कॉपर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 400 सेल्सियस हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, 280 एम हम यहां पे प्रेशर जो है प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या हम इसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। अगर हम मजीद इसको कंटिन्यू करें HC double bond OH दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2 एंड H2O। CO2 भी यहां पे डेवलप हो गया और H2O भी यहां पे डेवलप हो गया। कंडीशंस हमारी हुई हैं 400 सेल्सियस एंड 280 एम हमारे पास ये प्रेशर है। अब इसको मैं कलेक्टिवली यहां पे ऐड करूं, इसको मैं रिप्रेजेंट करूं, तो हम ये कहते हैं कि CH4 हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया। अगर मैं इसको ओवरऑल ऐड कर लूं, ओवरऑल रिएक्शन को देखो, 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन एटम्स मैंने लिए, मेरे पास CO2 मॉलिक्यूल बना और 2 H2O बने, एक H2O यहां पे बना, एक H2O यहां पे बना। जो अल्कोहल बना था वो यूज हो गया, जो एल्डिहाइड बना यूज हो गया, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना वो यूज हो गया। तो ओवरऑल हमारा जो रिएक्शन है वो ये रिएक्शन है। इसमें एक स्केच बताता जाऊं, व्हेन alkane is oxidized that is converted into alcohol and when alcohol is oxidized that is converted into aldehyde, when aldehyde is oxidized
that is converted into carboxylic acid. And when carboxylic acid is oxidized, that is converted into carbon dioxide. ये हमारा स्केच है. एक ऑर्गेनिक केमिस्ट को ये चीज पता होनी चाहिए, अल्केन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो इधर चलेंगे, मतलब अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो इस तरफ चले जाएंगे, और रिडक्शन करेंगे तो हम रिवर्स करना शुरू हो जाएंगे. जैसे एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन अगर रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा. अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, रिडक्शन करेंगे तो वापस अल्केन बनेगा. ये स्केच आपको तैयार होना यहाँ पे जरूरी है कि हमारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस किस तरह से चल रहे होते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम आते हैं. नेक्स्ट इज द नाइट्रेशन रिएक्शन. नाइट्रेशन रिएक्शन हम किस तरह से इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसको हम लिखते इस तरह से हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप. इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड, नाइट्रो ग्रुप हमारे पास क्या है, NO2 है, इज कॉल्ड नाइट्रेशन रिएक्शन. अगर हम नाइट्रो ग्रुप की एडिशन करते हैं, नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन. तो इसके लिए हमें जो है वो जो कंडीशंस चाहिए होते हैं, अराउंड 450 सेल्सियस हमें टेम्परेचर यहां पे चाहिए होता है. इन कंडीशंस में जाके ये प्रोसेस होता है. और ये जो हमारा प्रोसेस है अल्केन्स का, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है मतलब अल्केन्स में से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं नाइट्रो ग्रुप को. और नाइट्रेशन के लिए जो एजेंट हम यूज करते हैं, दैट एजेंट इज HNO3 नाइट्रिक एसिड. अब मैं इसका रिएक्शन प्रोसीड करता हूं. मेरे पास है CH4. CH4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3H. मेरे पास नाइट्रिक एसिड है, दैट इज OH, N double bond O and single bond O. That is nitric acid, HNO3. अब अगर मैं इसमें से water eliminate करता हूं, H और OH मैं इसमें से water eliminate करता हूं, तकरीबन 450 Celsius temperature पे, तो मेरे पास CH3 NO2 आ जाएगा और water यहां से क्या हो जाएगा, loss हो जाएगा. That is a product. ये हमारे पास product है. और इसको हम कह रहे होते हैं दैट इज नाइट्रोमीथेन. नाइट्रोमीथेन हमने प्रोड्यूस कर लिया, मतलब हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया विद नाइट्रो ग्रुप, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रेशन प्रोसेस. ये हमारा थर्ड एक रिएक्शन है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं अल्केन्स के रिएक्शन में. तो आज के हमने इसमें टॉपिक में तीन तरह के रिएक्शन डिस्कस किए, कंबशन रिएक्शन जो कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को हमने इनकम्प्लीट भी देखा, कंप्लीट भी देखा, कैटलिटिक ऑक्सीडेशन को भी यहां पे एक्सप्लेन किया, और तीसरा हमने नाइट्रेशन रिएक्शन को हमने एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हैलोजिनेशन प्रोसेस जो है उसको लेके चलेंगे. थैंक यू वेरी मच.